सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड आया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर आप उसका पिन जनरेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों। पहला तरीका ऑनलाइन होगा दोस्तों, दूसरा तरीका ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जिसके माध्यम से बिल्कुल आप लोग आसानी से दोस्तों एटीएम कार्ड का दोस्तों यहाँ पर एटीएम पिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नया पिन है दोस्तों, आप एटीएम पिन का दोस्तों यहां पर पिन जनरेट कर पाइएगा दोस्तों। तो क्या होगा प्रोसेस, मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। वीडियो को आपको कर देना प्यारा सा एक लाइक, और चैनल को हमारे पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मोबाइल के मैसेज बॉक्स को ओपन करना है दोस्तों, ठीक है। अब मैसेज बॉक्स को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज में टाइप करना होगा PIN, ठीक है दोस्तों, पिन आपको लिखना है। अब दोस्तों यहां पर जैसे पिन को लिखना है दोस्तों, लिखने के बाद यहां पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, लास्ट का यहां पर दोस्तों आपको एटीएम कार्ड का 4 डिजिट, जो दोस्तों आपका पिन जिसका आप जनरेट करना चाहते हैं उसका दोस्तों यहां पर चार लास्ट डिजिट आपको यहां पर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक मैसेज को सेंड करना होगा, जो दोस्तों आपको यहां पर स्क्रीन पर, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप डेबिट कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको अपना पासबुक के पास जो दोस्तों अकाउंट नंबर रहता है उसका 4 डिजिट आपको लास्ट में फिर से डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको PIN पिन लिखने के बाद डेबिट कार्ड का 4 नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों अपने बैंक खाता का 4 नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज बॉक्स में टाइप करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर टाइप करना है 567676, इस वाले नंबर पर आपको सेंड कर देना। अब जैसे इस नंबर पर हम सेंड करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा दोस्तों, याद रखना आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही आपको ये मैसेज को टाइप करना है जो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दे रखा होगा, जिससे आपको मैसेज आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज मैंने यहाँ पर भेज दिया दोस्तों, सक्सेसफुल मैसेज जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज दोबारा से आएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर मैसेज क्या मिलेगा, रिटर्न मैसेज आपको यहाँ पर तुरंत देखने को मिलेगा, जिस पर बताया गया दोस्तों डियर कस्टमर, ये और आपका जो यहाँ पर पिन है टेम्प्रोरी पिन जो यहाँ पर आपका जनरेट होकर आ चुका है, जो आपने अभी इस वक्त बनाया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पिन को सिर्फ 24 घंटे के लिए दोस्तों वैलिड है। 24 घंटे के अंदर दोस्तों कोई भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड पर जाकर दोस्तों आपको ये पिन को चेंज करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका ये एक्सपायर कर जाएगा। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन पर जाने के बाद आप किस तरीके से नया एटीएम पिन को जनरेट करेंगे। हालाँकि दोस्तों आप इस एटीएम पिन से भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर फायदा रहेगा दोस्तों, आप लोग इस पिन को जल्दी से चेंज कर ले दोस्तों, इससे आपका फायदा होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन पर जाना होगा दोस्तों। जाने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना कार्ड को अंदर डालना है दोस्तों, याद रखना आपको अपना जो चिप होगा दोस्तों, चिप को ऊपर करके आप सीधा आपको घुसाना है। घुसाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ परमिशन और कुछ अलाउ आपको मांगेगा दोस्तों एटीएम मशीन के पास। आपको यहाँ पर बैंकिंग पे क्लिक करना है दोस्तों, ऊपर में टिक लगाना है बैंकिंग में, ठीक है। अब जैसे कि बैंकिंग में ओके करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपके इंग्लिश भाषा को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, इंग्लिश हिंदी, तो हमने यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक नंबर बोल रहा है दोस्तों, 10 और 99 के बीच में कोई 2 अंक डालें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई अंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, चाहे आप जो भी अंक को सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है दोस्तों, ठीक है। आपका कोई भी नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों प्लीज इंटर योर पिन, जो अभी दोस्तों आपको मैसेज बॉक्स में जो अभी आपको 24 घंटे के अंदर जो पिन मिला होगा, उस पिन को दोस्तों आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, डालना है। उसके बाद दोस्तों उस पिन को जैसे आप यहां पर फिलअप करते हैं दोस्तों, फिलअप करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि आगे फिर आपको क्या करना है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं प्लीज़ इंटर योर पिन, अब जैसे यहाँ पर पिन कोड डालोगे दोस्तों, डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इधर में साइड में दोस्तों आपको रिसीट पिन का ऑप्शन देने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इंटर योर पिन न्यू पिन, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ पर दोस्तों 4 अंक का कोई नया पिन बना लीजिए, जो आपका परमानेंट रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको कभी एक्सपायर भी नहीं करेगा, और ये दोस्तों एकदम पूरा सिक्योर है दोस्तों, जिससे आपका एकदम कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं नया पिन यहाँ पर 4 बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग गार्ड से पूछ सकते हैं, आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब एथी पर जाओगे दोस्तों यहां पर एटीएम मशीन पर, तो वहां पर जाके जो वहां पर होम गार्ड रहता है उससे भी दोस्तों यहां पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, योर पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के माध्यम से मैंने दोस्तों आप लोग को पूरा जानकारी दिया दोस्तों कि किस तरीके से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एटीएम पिन को यहां पर चेंज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, आगे भी आपको यहाँ पर इसी तरह का बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।